हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी है हमारा फिफ्थ डे यहाँ पर और हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ब्रेड है, चीला, पूरी, मटर की सब्जी, चटनी, उपमा, फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स, जूस, बॉयल एग, कॉफ़ी, चाय, तो ये सब है। वो प्रॉपर्टी जिसमें अभी हम लोग नहीं, एक्चुअली कल आ गए थे, नील आइलैंड की रीफ वैली रिसोर्ट, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिसोर्ट है। यहाँ पे ये वाला एरिया है रिसेप्शन एंड ये वाला है इनका रेस्टोरेंट, और इधर ये नितिश सिया को मना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना वाईफाई का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वाईफाई सिर्फ यहीं इनके रिसेप्शन और रेस्टोरेंट में ही आता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है व्लॉग्स अपलोड करने में या कुछ भी वो करने में। और ये है, यहाँ से है इनके वो स्टार्ट कॉटेजेस, ये देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर, दोनों साइड है, बीच में ये है क्या है ये जो भी है रास्ता, और इस साइड भी है एंड इस साइड भी है। और यहाँ पे काफी सारे बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। कोकोनट ट्रीज हैं, वो होते हैं सुपारी, उसके हैं, इस टाइप के कॉटेजेस हैं और सबके अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, दो दो के पेयर में है ये, एंड इस तरफ भी सेम है। और मैंगो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, और सुपारी और कोकोनट, ये देखिए ये है सुपारी, और इधर कांग्या, इस तरफ है कोकोनट, और ये है हमारी सिया फैल रखी है और इसने फोन भी पटक दिया है। रात में तो हो नहीं पाया था दिखाने का क्योंकि लाइट का थोड़ा वो था, बट रात में भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए ये है इधर मैंगो ट्री, ये नहीं है और ये सिया भाग गई। सिया कम, कुल मिला के बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब मजा आ गया यहाँ पे स्टे में, और सारी फैसिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके इसका थोड़ा मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर कि क्या क्या है, क्योंकि रात में तो थक भी गए थे और फिर मैं व्लॉग एडिट करने लग गई, फिर हमने खाना वाना खाया तो बस उसी सब में रह गए थे। क्या हुआ? और ये देखिए कितने सारे मैंगो यहाँ गिरे हुए हैं, ये सब बिल्कुल फ्रेश है और ऐसे वेस्ट हो रहे। कोकोनट कितने सारे गिरे हुए हैं, ये है ऊपर मैंगो। कुल मिला के यहाँ की जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, मतलब प्रॉपर्टीज़ तो क्या, जो जगह है बहुत ज़्यादा सुंदर है हर जगह, मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, छोटी छोटे से आइलैंड है। और हमें पता चला था कि 256 या 456 के नियर अबाउट यहाँ पे आइलैंड्स हैं, बट सिर्फ 25 के नियर अबाउट ही एक्टिव आइलैंड्स हैं, बाकी सब ऐसी वेस्ट है। तो बस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, कैब हमारी आने वाली है, तो अभी लगेज बाहर निकालते हैं और हम चलते हैं रिसेप्शन की तरफ को। ये है हमारे दो रूम और यहाँ पे लगे हैं बनाना। सिया ये इंसेक्ट वाले मैंगो ही नहीं खाते, तो मैं ये देखिए सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आ चुकी है, यहाँ पे दो चेयर्स भी हैं और ये इस टाइप का है कुछ बाहर से, और ये यहाँ पे सिया और नितिश की बहस हो रही है। सिया, सी यू, हाय। सिया बिजी है फोन ढूंढने में, है ना? अभी हम आए हैं नेचुरल रॉक फॉर्मेशन ब्रिज, नहीं नेचुरल रॉक हावड़ा ब्रिज, और बहुत मुश्किल हो रही है चलने में। नीचे ऐसा लग रहा है कि जैसे कीचड़ है, बट ये अजीब से कुछ पत्थर है यार, दूर से देखने में लग रहा था मिट्टी के हैं, कीचड़ होगा बहुत, बट ये पत्थर हैं, तो इनके ऊपर से चलते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक आगे ब्रिज है समुद्र के बीच में और काफ़ी ज़्यादा वेव्स आ रही है, तो यहाँ पे 9:30 बजे तक वो फुल हो जाता है, तो फिर ये ब्रिज बंद हो जाता है और तब तक का हमारे पास टाइम है, फिर ये 1 बजे जाके खुलता है। तो अभी हम पहले सुबह यहीं आए हैं और अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको ब्रिज। चलने में इनमें आ रही है दिक्कत क्योंकि बहुत अजीब अजीब से हैं ये। तो ये है वो ब्रिज जिसे देखने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और है तो छोटा सा बट बहुत सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा
यूनिक सा लग रहा है ना, यूनिक इन द सेंस कि अभी तक हमने यहाँ ऐसा कुछ देखा नहीं था, और उसके ऊपर देखो कितने सारे प्लांट्स भी हैं। अगर पूरे में होता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से आगे, और ये देखिए कितनी कितनी सुंदर सुंदर नेचुरल चीजें हैं ना देखने के लिए, मजा ही आ गया आज तो। और बीच से वापस नहीं बीच से सॉरी ब्रिज से वापस आने के बाद इधर है कुछ शॉप्स जिनमें वही सेम आर्टिकल है, यही हमें हर जगह मिल रहा था। तो ब्रिज से अभी हम लोग आ चुके हैं वापस, 10 मिनट्स के राइड के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं भरतपुर बीच। तो काफी देर नहाने धोने के बाद बीच में एंजॉय करने के बाद अभी हमने मंगवाई है कॉफी, और सिया गई है इधर सो। सिया भी पानी में खेलते खेलते काफी ज्यादा थक चुकी थी। दादू अम्मा भी चाय वाय पीने गए हैं, और लोग अभी काफी ज्यादा हैं यहाँ पे, काफी भीड़ है तो अच्छा भी लग रहा है। चाय कॉफी एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं खाना खाने, क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका था, 1-1.5 बजे के आसपास अभी टाइम हो रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये पहचान गई हो। सिया क्या कह रही थी, हमें पकौड़ा खाना है। आप क्या उसमें से खा लो, ठीक है। और ये है यहाँ की वेज थाली, यहाँ की वेज थाली में ना आपको चपाती नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, दीदी को भी दो। सो पहुंच चुके हैं वापस हम पोर्ट ब्लेयर, और आज भी हम उसी शिप से आए हैं, नॉटिका से, जिससे हम कल कहां से आए थे, हैवलॉक से आए थे, नील आइलैंड। तो सेम शिप से सेम प्रोसेस से हम लोग वापस पहुंच चुके हैं, इसलिए आज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और फोन की बैटरी भी थोड़ी चार्ज नहीं थी इस वजह से भी। तो अभी गए हैं लगेज लेने, और हम तीनों आ चुके हैं, और ये देखो ये सिया, ये सब जगह फैलती रहती है ये। तो अभी दादू और नितिश गए हैं लगेज लेने, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वेट, और उसके बाद चलेंगे हम वापस। कैब ड्राइवर का ऑलरेडी फोन आ चुका है, तो वो बाहर कर रहे हैं वेट, फिर हम चलेंगे वापस। तो ये है वो पोर्ट, और ये रही हमारी शिप। एंड आज तो यहाँ पे ना काफी बड़े बड़े शिप खड़े हुए हैं, बट ये जो आइलैंड्स के होते हैं ये शायद तीन ही हैं, एक नॉटिका, एक ग्रीन ओशन जिसमें पहले दिन आए थे, और एक मैक्रोस। हमें मैक्रोस तो नहीं मिला, हमें दोनों दिन नॉटिका और एक दिन ग्रीन ओशन मिला। और ये है यहाँ के टर्मिनल्स। तो आ चुका है लगेज, लगेज लेने के लिए ही इतनी भीड़ लगी हुई है, अभी चलते हैं हम अंदर। अभी हम आ चुके हैं रूम पे, और ये भी सेम होटल है जिसमें हम फर्स्ट डे रुके थे, 7 पेटल, और इस बार हमारे रूम्स चेंज हो चुके हैं, तो ये रूम्स भी काफी अच्छे हैं। और ये है दादू अम्मा का रूम। सिया को बहुत मजे आ रहे हैं, डुम। ये है हमारा रूम, इधर है पता नहीं क्या है ये, और इधर एक चेयर, ये है मिरर, ये है अलमीरा, इधर है कॉपर कलर के कर्टेन, कॉपर कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये है हमारा बेड जिसमें सिया कूद चुकी है, ये रहा लगेज, ये रही सिया। सिया से हाय, मैं बैठ हूँ, बैग हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? जंगल से आ रहा हूँ। जंगल से आ रहे हो, जंगल में क्या किया था आपने? कोई बात नहीं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रूम पे, और अभी करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे लोकल मार्केट के लिए, क्योंकि ये वाला जो होटल है ना ये है तो बहुत अच्छा, और
ऑक्यूपाइड भी काफ़ी है, बट यहाँ पे अभी है थोड़ा खाने की प्रॉब्लम, क्योंकि इनका रेस्टोरेंट नहीं अच्छे तरीके से अभी वर्किंग में नहीं है, तो ये लोग दूसरी जगह से आपके रूम पे डिलीवर तो करवा देते हैं। बट हमने सोचा हम बार बार तो यहाँ आएंगे नहीं, अभी आए हैं तो लोकल मार्केट चले जाते हैं, और हमारे पास टाइम भी है, वहीं पर कुछ खा भी लेंगे और थोड़ा जो है एक्सप्लोर भी कर लेंगे। तो अभी हम लोग फ्रेश होके चलते हैं वहाँ, मतलब चेंज वेंज करते हैं या जैसे भी निकलते हैं मार्केट के लिए। तो हमारे रूम से 8-9 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर का मेन मार्केट, और अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट और अब करेंगे मार्केट को एक्सप्लोर। पानी के लिए कुछ देखना है? भाइयों, तो मार्केट से वापस आके अभी हम लोग आए हैं शेर ए बंगाल में, और अभी हमने ऑर्डर किया है खाना। अम्मा और मैं लेंगे वेज, और दादू और नितिश और सिया ने लिया है नॉन वेज। तो इनका खाना काफ़ी टेस्टी है, एंड ये रही यहाँ की वेज थाली। जैसा मैंने बताया था, यहाँ हमें चपाती नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा मंगवानी पड़ती है। तो एंजॉय कर रही है आइसक्रीम। क्या खा रही हो? कौन लाया? डैडी लाए। इसे हैंड नहीं लगाना इधर, अंकल पिटाई करेंगे। टॉवल में ही खानी है, टॉवल में। ओके, यम्मी हो रही है? बहुत छारी। क्या खाना, क्या खाया आपने? पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी खाई? हाँ। और क्या खाई? पिज्जा। पिज्जा भी खाई? बैठ जाओ इधर, हैंड नहीं लगाना। और क्या खाई? और भी कुछ खाई? क्या खाई? बैठो बैठो, और कुछ नहीं खाई। चलो फिर बाय बोल दो। बाय, गुड नाइट, आई लव यू। तो खाना खा के आ चुके हैं हम लोग वापस, और अभी हमने एंजॉय की है अपनी आइसक्रीम, और ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे। एंड व्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।